जॉब तो आ के ही मैं काम करदा, जिदा जॉब तो आ के महीना ज दो महीने तीन जदों भी लीव पर आईदा तो उदों ही मैं पंजाबी इंडस्ट्री स्ट्रगल करदा। तो मैं 8 साल हो गया पंजाबी गाने काम करते। मैं भाजी 2015 च कादर थिंध पीरे का गाना आया ही गबरू नी एल जी दे रौंद वर्गा, तो वह ही गाना किया ही। तो नाल हैरी तनोई वीरे का गाना आया ही जट कड्डू वट, अनमोल गगन मान जी का गाना आया ही कोका कोला, जिस दे विच अहीं बहुत वधिया काम किया ही। तो हुण ही रिसेंटली पिछले साल आरनीत वीरे नाल लड़ाका सौंग शिप्पा गोयल जी का सीगा, तो सरताज विरक वीरे का गाना आया सीगा फक्कर बंदे, तो हुण अज ही एक रिलीज आया सिमर दुराहे वीरे का, तो हारवी संधू का जिवें आ रहा है, तो इवें काफ़ी गाने ने जिन्होंने विच नाल। भाजी जी मेरे फादर साहब ने जिन्होंने मतलब 2000 दे विच पेंशन आ गए सी, तो उन्होंने 3 किले पहली ठेके ते लै के उहदे विच एक 400 मीटर का ट्रैक बनाया होया, 400 मीटर का ट्रैक बना के ते असी किसी को कुछ पैसा कोई कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ फिजिकल फिटनेस दे दी आ। फिजिकल फिटनेस देने दे लई के वह भी सवेरे 2-3 घंटे जाईदा ग्राउंड दे विच, ते साढ़े को 300-400 मुंडा आउंदा रहा, ते असी मतलब उन्हां फिजिकल फिटनेस दे विचों मैनू साढ़े कोई 700-800 मुंडा जिहड़ा आर्मी CRP गवर्नमेंट जॉब कर रहा पुलिस दे विच, जिन्हां नूं असीं घरों ठाल ठाल के लियाए ना कि जी हाँ वो मुंडे भी अजकल जॉब कर रहे ने, वड्डे वड्डे कलाकारां दे नाल काम करदे आ, तो बहुत खुशी हुंदी है कि इन्हां दे नाल काम मिलदा। छुट्टी कोई 7-8 महीने बाद बंदा घर आंदा ना, तो उन्हूं यह हुंदा कि मैं घर ही रहां है ना घरदे नाल, उहदे विच्चों भी अपना आण के टाइम कढ़ना, घर आ के घर नूं छड्डना बहुत औखा है। अहीं कह तो दिंदे आ कि हाँ ये कई बार कई गाने आए ना, तो कई बार कमेंट थोड़ा मिलते थोड़ा आया ज घट आया, पर चीज़ देखो कि वो पिछे मेहनत किन्नी है ये कोई नहीं जानता। तो कई मैं यहोजे भी गाने किए, मैं गुरदासपुर तो चंडीगढ़ जाना, चंडीगढ़ जाके गाना करना, सारे घरद ने देख भाई कह देना भी हाँ गाना आ रहा गाना आ रहा, तो बाद जो वो गाना देखना तो गाने से आना ही ना, तो कई बार वो भी चीज़ा फील कीतिया ने घरद्या। चलो ये तो जॉब वाले पास तो फुल सपोर्ट ही है, फादर साहब भी आर्मी रहे हैं तो उन्होंने इस पास बहुत सपोर्ट है, बट ये इंडस्ट्री वाले पास कुछ टाइम उन्होंने लगता है कि नहीं इनू इन्ने टाइम बाद आ रहा घर तो नहीं इस चीज़ वाल जाना चाहिए, बट फिर जो हौली हौली जो गाने आते हैं फिर वो इस चीज़ को सपोर्ट भी बहुत करते हैं। पहला जिदा मेरे गाने चले सके LG का राउंड चलिया कोका कोला चलिया, जो वो वैल्यू सी बाद कुछ टाइम काम नहीं किया वैल्यू डाउन हो गई, वो वैल्यू डाउन होने तो बाद जो कोई अपना यार बेली तुहानू वरत के छड्ड दिंदा ना, तो वरत के छड्डण तो बाद फिर तुहानू कुछ चीज़ां रिलाइज़ होंदियां ने, तो मेरे ना भी कुछ इदा ही होया। तो उदों बाद फिर मैं पहला ये काम छड्डता सीगा कि चलो शौक पूरा किया 2-4 गाने किए हिट हो गए वधिया है ना, उदों बाद जो कुछ यार बेलियां ने अपने मतलब वो चीज़ फील की, तो उदों बाद थोड़ा बड़ा फील होया कि यार इवें किवें हो सकता कोई अपना तुहाडे नाल कोई किवें कर सकता। उस तो बाद फिर मैं इंस्टाग्राम तो नंबर कढ़े, फिर चंडीगढ़ वाले पास रुख किया, फिर डायरैक्टरों को मिलया सारे मिलया, तो दोबारा मैं काम शुरू किया। हुण यही मकसद है कि किसी नाल किसी ते उम्मीद ना करो, किसी अपना काम नूं प्यार करो तो अगे वधदे जाओ, परमात्मा आपे तुहानू फल देगा। नमस्कार जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ रोहित महाजन। दैनिक सवेरा टीवी के उपर लगातार तुहानू असीं अजिहे शख्स जो कि लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, और खास तौर पर जिन्हां दे विच कुछ जज्बा हुंदा बाकियां लई मैसेज देन दा। सो अज असीं गलबात करां जिहड़ी रूबरू होवांगे एक खास शख्सियत, देश दे विच आर्मी दे करके ही असीं अपने घरां दे विच सुरक्षित बैठे हाँ, सरहदां दे उपर जदों आर्मी दे जवान राखी करदे ने तां असीं अमन चैन दी नींद सौंदे हाँ। सो एक जवान आर्मी दे विच ग्लेशियर तो लै के हुण इस समय आसाम तक जिहड़ा लगातार सरहदां दे उपर अपनी सेवावां दे चुके ने, आर्मी का एक जवान जिसने सिर्फ देश दे लई सरहद ते राखी नहीं कीती, नाल दे नाल एक शौक जिहड़ा एक अवला शौक है सिंगिंग मॉडलिंग और खास तौर पर रैसलिंग बॉक्सिंग का, सो हर चीज़ दे विच परफेक्ट एक शख्सियत दे नाल तुहानू अज असीं रूबरू करवावांगे। नाम है डिंपल पिंडर, जो कि पिछले कुछ समय तो लगातार सोशल मीडिया के उपर भी छाए हुए ने, और एक बहुत वधिया जिहड़ा मैसेज है क्योंकि आर्मी दे विच रहिंदे होए सेवावां दे रहे ने, नाल दे नाल लगभग 700 दे करीब जिहड़े इन्हां वल्लों जिहड़ा एक ट्रेनिंग
जिहड़ी करवाई जाती है आर्मी की तैयारी जिहड़ी करवाई जाती है जिस दे विच काफ़ी बच्चे जिहड़े ने सिलेक्ट हो चुके ने आर्मी दे विच भी। सो सब तो पहले गलबात करते हैं जी सर, सब तो पहले स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। सो डिंपल जी, सब तो पहला एक खास हैल्थ नू देख के तुहाडा तो वैसे रोल जिहड़ा लगता है कि एक एक्टर का करैक्टर भी है और तुसी विलन का करैक्टर एज ए जिहड़ा रोल दे विच कर रहे हो। सो किस किस तुसी गाने दे विच और इस समय जिहड़ी तुसी सेवावां ने आर्मी च कित्थे दे रहे हो? मैं इस टाइम भाजी आसाम च जी। हाँ जी, इस टाइम आसाम च आसाम दे विच। हाँ जी। सो ये जिहड़ा शौक है किस तरीके नाल तुहानू बनिया और किहड़े किहड़े जिहड़े मेन जिहड़े सोंग्स ने जिन्हां विच तुसी ये रोल कर चुके? मैं भाजी 2015 च कादर थिंद पीरे दा गाणा आया सी गबरू नी एल जी दे राउंड वर्गा, तो वह ही गाना किया ही। तो नाल हैरी तनोई वीरे का गाना आया ही जट कड्डू वट, अनमोल गगन मान जी का गाना आया कोका कोला, जिस दे विच अहीं बहुत वधिया काम किया ही। तो हुण ही रिसेंटली पिछले साल आरनीत वीरे नाल लड़ाका सौंग शिप्पा गोयल जी का सीगा, तो सरताज विरक वीरे का गाना आया सीगा फक्कर बंदे, तो हुण अज ही एक रिलीज आया सिमर दराहे वीरे का, तो हारवी संधु का जिवें आ रहा है, तो इवें काफ़ी गाने ने जिन्हां दे विच नाल। सो सब तो पहले डिंपल जी एक चीज़ तुहाडे को मैं पूछना चाहवांगा कि आर्मी दे विच रहिंदे होए तुसीं देश की सेवावां कर रहे हो और लगातार पिछले कुछ समय तो लॉकडाउन के बाद भी सानू पता लग्या सी कि तुसीं गुरदासपुर जिले लिए बड़ी मान की गल है कि एक ट्रेनिंग जिहड़ी बच्चों की खास तौर पर जिहड़ी वह चलाई जा रही, उस बारे थोड़ा जिहा दस्सो। वो भाजी मेरे फादर साहब ने जिन्होंने मतलब 2000 दे विच पेंशन आ गए सी, उन्होंने 3 किले पहली ठेके से लैके उस एक 400 मीटर का ट्रैक बनाया होया, 400 मीटर का ट्रैक बना के तो असी किसी को कुछ पैसा कोई कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ फिजिकल फिटनेस दे दी है। फिजिकल फिटनेस देने दे लई कि वह भी सवेरे 2-3 घंटे जाइए ग्राउंड के साढ़े को 300-400 मुंडा आता रहा, तो असी मतलब उन्होंने फिजिकल फिटनेस के मैनू साढ़े कोई 700-800 मुंडा जिहड़ा आर्मी CRP गवर्नमेंट जॉब कर रहा पुलिस दे विच, जिन्हां नूं असीं घरों ठाल ठाल के लियाए हां ना कि जी हाँ वो मुंडे भी अजकल जॉब कर रहे हैं, तो ये मेरे फादर साहब की देन आ, तो उन्होंने फिट किए अं भी चलो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं आर्मी च कर रहे हैं। तो बाकी मेरा मेन मकसद यही है कि मैं अपना एक फेस वैल्यू ज अपने आप नूं उच्चा उठना, तो जॉब तो आण के ही मैं काम करदा, जिदा जॉब तो आण के महीना ज 2-3 महीने जदों भी लीव तो आईदा तो उदों ही मैं पंजाबी इंडस्ट्री स्ट्रगल करदा, तो मैं 8 साल हो गया पंजाबी गाने काम करते, तो जिदा पहला मैं सैड रोल करता सीगा हुण हौली हौली चलो मेहनत करद्या करद्या हुण मेन विलन ते आउणा शुरू हो गए हैं, तो काफ़ी मतलब वड्डे वड्डे कलाकारां दे नाल काम करदे हां तो बहुत खुशी हुंदी है कि इन्हां दे नाल काम मिलदा, तो जो परमात्मा बाकी जिथे लैके जाना उन्हें ले ही जाना, अपना काम मेहनत करते रहो फल की इच्छा ना करो। सो एक लगातार असी देख रहे हैं कि पंजाबी पंजाब दे विच खास तौर पर जिहड़ा युवा वर्ग है लगातार भड़कता जा रहा है, विदेशों का रुख कर रहे ने नाल दे नाल नशियां च बहुत जड़े युवक जड़े पै गए सीगे, सो उन्हां लई की मैसेज है क्योंकि जिस तरीके दे नाल अज हालात जड़े पैदा हो गए ने तुहाडा शौक दे के जिथे एक पासे आर्मी च जाण लई हर नौजवान जिहड़ा पंजाब दा उत्सुक रहिंदा, सो सेवावां तुसीं इस समय आर्मी दे विच वी लगातार अपनियां दे रहे हो नाल दे नाल, इह वी किस तरह बैलेंस तुसीं करदे हो इस चीज़ नूं? अपने आप एडजस्ट करीदा, सिर्फ मेहनत तो स्ट्रगल तो ही जोर देता, बाकी किसी चल ध्यान नहीं देता कि अपना काम करो, जिन्ना वो तो मेहनत होंगी है कि अपने आप नूं फ्री नहीं बैठना, तो जे फ्री हुए जिम चले जाना जा मतलब जे गेम करदे हुण मैं 13 साल हो गया बॉक्सिंग करदे रैसलिंग करदे, तो एक आदत जिदा लौंग टाइम रहना आदत बन जानी, उदों बाद जे अपना इंडस्ट्री वाली गल करिए तो इधर भी काम करदे नूं मैनूं मतलब लिंक दे विच रहना कॉन्टैक्ट करने, तो बाकी गाने वगैरह तो जदों छुट्टी आ के परमात्मा वालों ही चलो वधिया सबब बन जाता, सोहने सोहने कलाकारां नाल वधिया वधिया गाने मिल के ते उन्हां नाल काम कर रहे हैं, तो हौली हौली अगे बैक गां तो गां बैक टू बैक सौंग दे रहे हैं। सो होर किहड़े किहड़े जिहड़े तुहाडे जिहड़े प्रोजैक्ट्स ने वह अगे आ जा रहे हैं और किन्ना क इस समय जिहड़ा तुसीं माण महसूस करते हो कि आर्मी च भी सेवावां दे रहे हो नाल दे नाल इस फील्ड दे विच भी, वह बाकियां लई की मैसेज आ वह भी थोड़ा जिहा दस्सो। मैं तो यह करदा कि सिर्फ ये कहना कि कम करो फल की इच्छा ना करो, मेहनत करते रहो तुहानू फल आपे परमात्मा ने दे देना। कई बार मैं कई इहो जिहे गाने कीते जिन्हां दे विच मतलब जिवें हुण गुरदासपुर तो चंडीगढ़ बस ते जाना, तो वह भी अपना छुट्टी दे विच आण के छुट्टी कोई 7-8 महीने बाद बंदा घर आंदा ना, तो उन्हूं यह हुंदा कि मैं घर ही रहां है ना घर दिआं नाल, उहदे विच्चों भी अपना आण के टाइम कढ़ना, घर आण के घर नूं छड्डना बहुत औखा है। अहीं कह तो दिंदे आ कि हाँ ये कई बार कई गाने च आए हैं ना तो कई बार कमेंट थोड़ा मिलते थोड़ा आया जां घट आया, पर उहदे विच ये चीज़ देखो कि उहदे पिछे मेहनत किन्नी है ये कोई नहीं जानता,
ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਮੇਕਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਵੀਰਾ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਵੀਰਾ ਭਿੰਡਰ ਬੁਰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਸੈਣੀ ਵੀਰਾ ਹਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮੀਨਾ ਸਿੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਆਰਨੇ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਰਵੀ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਖੁਦ ਉੱਠੋ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਐਲ ਜੀ ਦਾ ਰੌਣ ਚੱਲਿਆ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦਊਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੈਨਿਕ ਚੋਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ